अज मैं हुक्म किया कि कुछ दिनों तक तुम जथा लैके आओ तो मैं संत महापुरशां का जथेबंदियों का संगतों का जथा लैके जल्दी कौमी इंसाफ मोर्चे पुजांगा। ये जिहड़ा कुछ कर रहे हैं किसी ते आसान नहीं है, साडा फर्ज बनता। जिहड़े वीरां ने विरोध किया मैं तो उन्हां दा भी धन्नवाद करदा, तो कोई गल नहीं उन्हां दे मन च कोई सवाल होणगे। किसान जथेबंदियां नहीं सी आईयां, हुण किसान जथेबंदियां भी आ गईयां, काफला वड्डा हो रहा। निहंग सिंह जथेबंदियां ने टकसालां संप्रदावां निर्मले सिख गैर सिख भी आ गए। देखो ये गलत गल है, मोर्चा लाउणा अपनी आवाज़ बुलंद करना साडा हक आ। कोर्टां नूं इस गल का ध्यान देना चाहिए, माणयोग हाई कोर्ट जिहड़ी आ उहनूं वी इस पासे ध्यान देना चाहिए। ये लोकतंत्र का ही कतल आ भी तुसीं किसी नूं मुजहरा करन तों धरना लाउण तों जां अपना जिहड़ा हक मंगण तों जेकर तुसीं रोको। कुछ दिन पहला मैं मिलिया सी ते दो चार दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, फिर कॉन्फ्रेंस दे विच कहा कि एक अधिकार जिहड़े आ इक चैनल तों वह ले जाने चाहिए ते फ्री लिंक जिहड़ा ओपन करना चाहिए भी सारे चैनल दिखा सकन ते दरबार साहब का कीर्तन जिहड़ा वह घर घर जिहड़ा वह पहुँच सके। 7 जनवरी कौमी इंसाफ मोर्चे की शुरुआत हुई तो लंबा समा हो गया कौमी इंसाफ मोर्चे चलदियां होया। एक पटीशन भी पई है किसी NGO वालों, कहा जा रहा कि रस्ता खाली होना चाहिए। तो अज कौमी इंसाफ मोर्चे ने फतेहगढ़ साहब की धरती एक वड्डा इकट्ठ भी किया। उस इकट्ठ के जिते संत महापुरख पहुँचे आ, जथेबंदे के कुछ नुमाइंदे भी इतने पहुँचे आ। बलजीत सिंह दादूवाल जी की गल करते हैं, जां होर जथेबंदे नुमाइंदे दल खालसा के भी नुमाइंदे इतने पहुँचे आ, वारस पंजाब के जथेबंदे इतने नुमाइंदे पहुँचे आ। तो सारे विचार चर्चावां हुई, तो विचार चर्चावां दे विच जिहड़े मेन मुद्दे जिहड़े अगले महीनों के जो प्रोग्राम लिखे गए आ उन्हां प्रोग्रामां ते विशेष तौर पर चर्चा हुई आ। एक रिट पटीशन की भी गल करांगे कि रिट पटीशन भी पाई गई है कि कहा जा रहा कि कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा लगा वा उत्थे रस्ता बंद होया वा, तो रस्ते नूं खुलाया जाए। एक मेन प्रोग्राम जिहड़ा इत्थे लिखिया गया कि 20 जून दिल्ली केजरीवाल की रिहायश ते पुतला फूकण का प्रोग्राम रखा गया वा। 15 जुलाई जिला पद्धर ते जिहड़ा केंद्र ते पंजाब दे पुतले फूकण दीआं गल्लां होईआं वा। 15 अगस्त मुख्यमंत्री ते गवर्नर हाउस का घराओ की गल हुई आ। एक दिन टोल प्लाजा बंद करन की गल की गई आ। क्या जा रहा है कि एक दिन का असं कहने वैसे चाहे तो वध भी हो सकते हैं, जिवें किसान जथेबंदियां ने लंबा समा टोल प्लाजे जिहड़े बंद रखे सी। 7 जनवरी जो मोर्चे की शुरुआत होंदी आ ते हर मोड़ ते एक वक्रा पैंतड़ा अपनाया गया। 26 जनवरी जिहड़ा प्रोग्राम होया सी, वड्डा लाम लश्कर उत्थे पहुंचिया, नौजवानी पहुंची ते उत्थे एक वड्डा इकट्ठ सी। अज दे इकट्ठ दी गल करिए ते एक जिहड़े कि क्रीम कह सकते हैं जिहड़े कि मुख चेहरे इत्थे पहुंचे आ, जिहदे विच बलजीत सिंह दादूवाल जी पहुंचे आ। आओ आपां भाई बलजीत सिंह दादूवाल जी नाल गलबात करदे आ कि की प्रोग्राम लिखे गए आ, कि गल इत्थे हुई आ, कि जे तुसीं कौमी इंसाफ मोर्चे जाने हो तो विरोध होंदा ते अज तुसीं इत्थे पहुंचे हो ते किवें दी रणनीति लिखी गई है? क्योंकि जदों कोई साधु संत उत्थे पहुंचदे आ जी, संगत भी उहनां दे मगर बहुत लगदी है, ते आप जी नूं उत्थे आउणा चाहीदा जी। असीं चाहुंदे आ वी तुसीं उत्थे आओ। अज उस दिन तो बाद कौमी इंसाफ मोर्चे के आगुआ के वलों मेरे नाल संपर्क किया गया। कुछ दिन पहला अज की मीटिंग बारे दस्या गया और मैं अपने सारे रुझेवें छड़ के अपना फर्ज समझदा होया अज भी इत्थे पहुंचिया साथियों समेत और बापू गुरचरण सिंह उन्हां ने अज मैनूं हुक्म किया कि कुछ दिनों तक तुसीं जथा लैके आओ तो मैं संत महापुरशां का जथेबंदियों का संगतों का जथा लैके जल्दी कौमी इंसाफ मोर्चे पुजांगा। ये जिहड़ा कुछ कर रहे हैं किसी ते आसान नहीं है, साडा फर्ज बनता। जिहड़े वीरां ने विरोध किया मैं तो उन्हां दा भी धन्नवाद करदा, तो कोई गल नहीं उन्हां दे मन च कोई सवाल होणगे, पर जदों भी असीं किसी नाल सवाल जवाब करने आ उहदे स्थान ते जाके कर लो, उहदे परिवार अपने दफ्तर जाके कर लो, उहदे किसी होर। जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा इह किसी भी आगू नाल सवाल जवाब करन दी जगह नहीं है, इत्थे सानू सारिआं दा समर्थन चाहिए। अज तां ही देखो जथेदार हवारा साहब जिहड़े मैं तां समझदा वह कौमी जरनैल ने, सारी कौम समझदी आ, उन्हां दे मूहों जां उन्हां दी लिखत चों खिमा जाचना दे शब्द निकलन तां सानू जिहड़ा आउट फील हुंदा महसूस हुंदा, पर उन्हां ने भी अज देखो खिमा जाचना कीती है कि चाहे वह सरदार धामी साहब सीगे उत्थे, चाहे मेरे नाल जे जां किसी होर नाल उत्थे जे कोई विरोध होया तां उहदी अज जथेदार हवारा साहब ने भी खिमा जाचना लिख के भेजी आ और कौमी इंसाफ मोर्चे दे आगूआं ने भी, क्योंकि वो हर गल नू समझदे आ, वो सियाणे आगू आ। कई बार जिहड़े कई नौजवान रोज आके जां कई बार कोई किसी का जिस तरह कौमी इंसाफ मोर्चे ने कहा, हुण मैनू नहीं पता कि वो सरकारी जां गैर सरकारी सीगे, पर इत्थों अनाउंस होया कि कुछ सरकारी लोगां जिहड़े बाद विच ओह नज़र नहीं आए कहिंदे उत्थे, पर उन्होंने कुछ इस तरह का मोर्चे का माहौल खराब करन दी कोशिश कीती सी।
ये कौमी इंसाफ मोर्चे के संचालक ने तुहाडे सामने रखिया, पर मैं बेनती करनी चाहुंदा कि आओ सारे जिन्ना कोई योगदान पा सकदा, कोई घट कोई वध, सानू सब नू योगदान पाउणा चाहीदा। 25 तरीक है, 25 तरीक तो पहला नहीं, आप जी पहला कदों नहीं आए हैगे जी, पहला दी गल तां पहला दी है जिहड़ा जिस दिन दा जदों गलबात होई सी, उस तों बाद मैनूं कौमी इंसाफ मोर्चे ने हुक्म नहीं लाया। उन्हां नूं भी लगदा सी कि कोई इस तरह की गलबात जिहड़ी आ, पर उन्होंने महसूस किया भी वह कुछ शरारती सी। असीं नहीं चाहते कि कौमी इंसाफ मोर्चे का जिहड़ा माहौल है, क्योंकि वो साडी कौमी मंगा ने, उहदा कोई माहौल खराब होया। अज कौमी इंसाफ मोर्चे के संचालकों ने महसूस किया, जहेदार साहब ने भी महसूस किया, तो उन्होंने हुक्म लाया, असीं अज फिर हाजिर हाँ, तो कल भी हाजिर हाँ। हवारा साहब ने जथेदार साहब कह के संबोधन कर रहे हो, पर कहते हैं कि जो थोड़े माता जी स्वर्गवास हुए, उन्होंने थोड़े माता जी के भोग के उपर जथेदार साहब के वालों शोक संदेश जोड़ा भेजा गया, भाई बलबीर सिंह जी हिसार जथेदार साहब के पीए साहब जोड़े ने वो लैके गए, कहते थोड़े वालों उत्थे पढ़िया नहीं गया, शोक संदेश नहीं पढ़िया। देखो ना तो मैं उत्थे संदेश संचालक सीगा, तो ना ही मैं उत्थे कोई शोक संदेश पढ़ रहा। उन्होंने जिन्हें भी शोक संदेश उत्थे गए थे, वो सारे शोक संदेशों का उत्थे जिक्र होया सीगा, जिहड़े होर भी शोक संदेश आए थे जहेदार हवारा साहब का भी, और मैं खुद अपनी जिहड़ी स्पीच सी उहदे विच जहेदार हवारा साहब की स्पीच का जिक्र किया। हो सकता किसी ने तुहानू गलत फहमी के नाल यह गल कही होवे, बाकी जहेदार हवारा साहब कौम के सत्कारयोग योधे आ, हमेशा सत्कारयोग। उन्होंने असीं मिल के भी आए हैं, मुलाकातां भी कीतियां, उन्हां दी गल नाल गलबात भी होई आ, ते हुण भी आ। कई बार इस तरह के जिहड़े विरोध विचारधारक बखरेवे वाले जिहड़े विचार आ कई वीर वालों पेश किए जाते, मैं उन्होंने बेनती करनी चाहुंदा कि उन्होंने ग्रेज करना चाहिए, तो कौमी इंसाफ मोर्चे की सफलता दे वास्ते सानू सारयां नू कोई थोड़ा कोई बहुता जिन्ना काम कर सकता सानू सारयां नू काम करना चाहिए। देखो पहला किसान जथेबंदियां नहीं सी आईयां, हुण किसान जथेबंदियां भी आ गईयां, काफला वड्डा हो रहा, निहंग सिंह जथेबंदियां ने, टकसालां संपरदावां निर्मले सिख गैर सिख भी आ गए। तो सारयां नू मैं अपील करदा कि सारे चाहे कोई विचारधारक वखरेवें भी रहे हुण, उहनां नू छड्ड के अज्ज सारयां नू अपना फर्ज समझ के सानू अपने बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते अगे आउणा चाहीदा। पहलां भी कई सिंघ रिहा होए आ, हुण भी होए आ, भाई लखविंदर सिंघ रिहा होए आ, ते बाकी सिंघ भी जल्दी रिहा कराउण वास्ते सानू अपना प्रेशर बिल्ड जिहड़ा उह करना चाहीदा। पिटीशन पाई गई है जी, उत्थे कहा जा रहा कि रस्ता बंद होया वा, ते 30 तरीक नू फिर दुबारा नवकरण जी पेश होणगे, ते दूजे पासे डीजीपी साहब नू तलब कीता गया, इस चीज़ नू कैसे देखदे? देखो ये गलत गल आ, मोर्चा लाउणा अपनी आवाज़ बुलंद करना साडा हक आ, कोर्टा नूं इस गल का ध्यान देना चाहिए, माणयोग हाई कोर्ट जिहड़ी आ उहनूं भी इस पासे ध्यान देना चाहिए। ये लोकतंत्र का ही कतल आ, भी तुसीं किसी नूं मुजहरा करन तों, धरना लाउण तों, जां अपना जिहड़ा हक मंगण तों जेकर तुसीं रोको। ये किन्हां ने पटीशन पाई है मैनूं नहीं, मैनूं तुहाडे तों पता लगा कि किसी ने पटीशन पाई है, जिन्हां ने पटीशन पाई मैं तां उहनां नूं भी अपील करूँगा कि उहनां नूं वापस लैणी चाहिए अपनी पटीशन। ये जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा ये हकी मंगा वास्ते लगा, जे कानून की पालना नहीं हो रही तो कानून की पालना कराने वास्ते लगा, तो हुण कोर्ट ने भी देखना है कि कानून की पालना करने वास्ते मोर्चा लगा है। अज तुसीं देखिया जथेदार हवारा साहब का जिहड़ा बयान आया, जो उन्होंने संदेश भेजा उहदे विच उन्होंने खुद भी खिमा जाचना की है, और बापू गुरचरण सिंह ने भी की है कि जिहड़े विरोध करन वाले सन वो शायद कोई षड्यंत्र के तहत ही उत्थे आए सीगे, उदों बाद वो दिसे भी नहीं। अज उन्होंने महसूस किया वा, असी अज उन्होंने हुक्म भी लाया वा, तो असी अपना फर्ज समझते हुए बहुत जल्दी कौमी इंसाफ मोर्चे च संत महापुरशां जथेबंदियां ते संगतां समेत शामिल होवांगे। अक्सर देखण सुणन दे विच आउंदा कि भाई बलजीत सिंह राधूवाल दी मनोहर लाल खट्टर उहनां दे नाल काफ़ी नेड़ता हैगी, की कदे बंदी सिंघां दे बारे मनोहर लाल खट्टर उहनां दे नाल कोई गल्लबात होई, की खट्टर साहब दे जरिए नरेंद्र मोदी उहनां दे तक कोई बंदी सिंघां दी आवाज़ पहुँचाउण दी कोशिश तुहाडे वल्लों कीती जाऊ? मैं समझदा जेकर मीडिया वाला वीर वह सवाल करे कि जिहड़े मीडिया दे विच प्रकाशित हो चुके होण, टैलीकास्ट हो चुके होण, तां मैं समझदा कि मीडिया वाले वीरां नूं होमवर्क करके आना चाहिए। बलजीत सिंह दादूवाल जदों भी किसी मुख्यमंत्री नूं मिलिया, किसी आगू नूं मिलिया, तां पंथक मंगां दे वास्ते, कुछ दिन पहला मैं मुख्यमंत्री पंजाब नूं मिलिया, पंज जिहड़ियां पंथक मंगां सी, श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां, बेअदबी दे दोषियां दे उत्ते जवाबां दी वरतों, सख्त सजावां, फिर बंदी सिंघां दी रिहाई नूं PM नूं चिट्ठी लिखणी, फिर लाइव टैलीकास्ट का जिहड़ा हक आ वो एक अधिकार एक परिवार एक TV तो खोना, ये पंथक मंगा। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा ने साडे, असी उन्हां नाल भी जदों मुलाकात की तो पंथक मंगा नूं तुसीं मेरियां लिखतां चिट्ठियां पढ़ो, बकायदा हरियाणा कमेटी दे
एग्जैक्टिव की मीटिंग च मता पास करके बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते किसानी अंदोलन वास्ते असी मुख्यमंत्री हरियाणा नूं मंग पत्र दिता, मेरे रिकॉर्ड च दर्ज है ते मीडिया ते प्रकाशित है, बकायदा आ चुकिया। शायद तुसी भुल गए हो पर मैं नहीं भुलिया, क्योंकि असी लिख के मता पा के बकायदा हरियाणा कमेटी का ते मुख्यमंत्री हरियाणा नूं दिता सी। और जदों भी साडी किसे आगू नाल गल होई, चाहे पंजाब दा होवे, चाहे हरियाणा, चाहे केंद्र दा, और चाहे वह किसी भी पार्टी का होवे, क्योंकि असी हमेशा गलबात देखो तुहाडे सामने जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सी उन्हां नाल भी की, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सी गलबात उन्हां नाल भी की, जो चन्नी सी चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री उन्हां नाल भी, तो हुण भगवंत सिंह मान आ उन्हां नाल भी, तो जिद्दण मुलाकात की आ, मुलाकात का एजेंडा अगले दिन मीडिया च तुसी पढ़िया कि सारा जिन्हां मुद्दियां ते गलबात होई, तो उहदे वर्क भी शुरू हो गया। देखो कुछ दिन पहला मैं मिलिया सी, तो दो चार दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, फिर कॉन्फ्रेंस दे विच कहा कि एक अधिकार जिहड़े आ इक चैनल तो वो ले जाने चाहिए, तो फ्री लिंक जिहड़ा ओपन करना चाहिए भी सारे चैनल दिखा सकन, तो दरबार साहब का कीर्तन जिहड़ा वो घर घर जिहड़ा वो पहुँच सके। मेजर सिंह जी हर मोर्चे दे विच हर तरह के जिहड़े आ वो लोग आउंदे आ, असी बरगाड़ी दा इंसाफ मोर्चा 6.5 महीने चलाया, लखां संगतां पहुंचियां, असी देखिया सब दा असी स्वागत किया, सब दा स्वागत मोर्चा च करना चाहिए, जिहड़ा आ गया वाह भला, जिहड़ा नहीं आया वाह भला, वो अपनी गल दा देनदार। पर मैं बेनती करनी चाहुंदा कि हर मोर्चे जो सानू कुछ ना कुछ मिलिया प्राप्ति होई है, ये वक्री गल आ कि विरोधियों का तंत्र बहुत तगड़ा वा, उन्हां कोल चाहे वह सोशल मीडिया चाहे सैटेलाइट चैनल उन्हां को बहुत तगड़े आ, वो हर वारी हर मोर्चे दे विच तुसी देखो किसान मोर्चा सफल करके आए ना, 3 खेती कानून वापस करा के आए, किसानों के खिलाफ जिहड़ा कुछ चलिया आगू के खिलाफ वो भी तुसी पढ़िया, बरगाड़ी के मोर्चे तो बाद भी तुसी पढ़िया सुनिया, कौमी इंसाफ मोर्चा सफल होकर उठेगा, पर फिर भी तुसी देखना जिहड़े संचालक ने उन्होंने खिलाफ गल्लां जिहड़ियां ने उठणगियां, बाद विच कौमी इंसाफ मोर्चा सफल होकर उठेगा, पर उहदे बाद विच जिहड़े संचालक ने उन्हां बारे गल्लां बात जिवें किसानां बारे सीगियां, सो इह इक फितरत रही आ उन्हां लोगां दी जिहड़े इन्हां जिन्हां तों असीं मंगा करदे आ, उह विरोध विच खड़ के उन्हां दा तंत्र बड़ा तगड़ा वा, तो वो इस करके बदनाम करते हैं कि संगतां नूं जिहड़ा हैगा वो खखड़ियां करेले कीता जावे, आपस च पाड़िया जावे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल सरकारां हुकूमतां दी हमेशा ही नीति रही आ कि पाड़ो तो राज करो, सो इस करके देखो मैं जम्मिया पंजाब दा, सेवा हरियाणे च कर रहा, पर हरियाणे च बेस बना के मैं पूरे संसार विच जाना, पूरी दुनिया च 20-25 मुल्कों च धर्म प्रचार लिए जाना, मेरा सब नाल प्यार आ सारे पासे, जिन्ना हरियाणे च उन्ना, जदों हरियाणा कमेटी की गल सफलता लियांदी मैनू मुख सेवादार बनाया, मेरा हरियाणे नालों वध पंजाब च सत्कार किया, पंजाब नालों वध जिहड़ा सी दिल्ली च सत्कार किया दिल्ली कमेटी के वलों, सो इस तरह साडा सारे ही प्यार सत्कार बनिया, साडे प्रचार ते प्यार दीआं कोई सीमावां नहीं आ, हरियाणा भी पंजाब भी सारिया स्टेटा भारत दिया ते विदेशों तो भी संगतां नाल साडा प्यार आ, असी सारिया की शमूलीयत केवल एक स्टेट की नहीं, वो वक्री गल आ कि मैं मुख सेवादार सवा 2 साल एक स्टेट की जिहड़ी सी उहदा रहा, पर सरबत खालसा दे वल्लों जिहड़ी पूरी कौम नूं रीप्रजेंट करदे तखत उन्हां दा जथेदार भी रहा, भावें मैं स्वै इच्छा दे नाल सेवा मुक्त होया, इस करके साडा प्यार ते सत्कार सारिया संगतां दे नाल, ते जिथे भी कौमी मंगां दी गल हक्कां दी गल कोई जथेबंदी करे, जिथे कौम की गल आ पंथ की गल आ, उत्थे बलजीत सिंह दादूवाल अपना फर्ज निभाउंदा, अद्धी रात नूं भी संगतां समेत हाजिर होऊ, ते हुण असीं हरियाणे चों भी पंजाब चों भी सब थावां तों संगतां लैके हाजिर होवांगे।